السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز طلبة، हम लोग बाब फ़ज़ल तौहीद व मा युकफ़िरु मिन अज़्ज़ुनूब इस बाब को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसमें एक आयत पढ़ ली थी, आगे एक हदीस है उसको देखिए। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शहिदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. हदीस का तर्जमा देख लीजिए। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। काल उन्होंने कहा, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वहदहु वो तनहा है वो अकेला है, ला शरीक लहु उसका कोई शरीक नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और इस बात की गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु और इस बात की गवाही दी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, व कलिमतुहु और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीमा हैं, अलकाहा इला मरियमा जिस कलिमे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम की तरफ भेजा, व रूहुम मिनहु और उसकी तरफ से रूह हैं, वल जन्नत हक्कुन वन नार हक्कुन और जिसने इस बात की गवाही दी कि जन्नत बरहक है और जहन्नम बरहक है, अदखलहुल्लाहु जन्नत अला मा काना मिनल अमल, अदखलहुल्लाहु जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अला मा काना मिनल अमल उसका अमल जिस तरह से भी हो, उसका अमल जैसा भी हो। अखरजाहु इसको इसकी बुखारी ने तखरीज की है, यह रवायत बुखारी की है। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस हदीस में जो मन आया है ये मन शर्तिया है। जवाब शर्त क्या है? अदखलहुल्लाहु जन्नत अला मा काना मिनल अमल, ये जवाब शर्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। यहाँ एक बात ध्यान दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म होना ज़रूरी है, यानी हमें इस बात का इल्म हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब जानना ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इल्ला मन शहिद बिलहक वहुम यालमून, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों का जिक्र किया है जो शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में शुरू में यह बताया कि जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, वो तुम्हारे लिए शफाअत नहीं कर सकेंगे। इल्ला मन शहिद बिलहक वहुम यालमून, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया है कि कौन शफाअत कर सकता है। इल्ला मन शहिद बिलहक, सिवाय उस आदमी के जिसने हक की गवाही दी। हक से मुराद यहाँ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है।
इल्ला मन शहिदा बिल हक, शफात कौन करेगा सिवाय उस आदमी के जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी। वहुम यालमून, इस हाल में कि वो उसे जानता, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म उसके पास था, फिर उसके बाद में उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी, ऐसा आदमी शफात का मुस्तहिक होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बतलाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म होना ज़रूरी है। यानी ये आदमी ये जाने कि ला इलाहा इल्लल्लाह में एक अल्लाह की इबादत का इस्बात है और दीगर माबूदान बातला की इबादत का इनकार है, इसका इल्म आदमी को हो, फिर उसके बाद में वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे। अजीज़ तलबा, यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने का क्या मतलब है? क्या आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे ज़ुबान से तो क्या उसके बारे में ये कहा जाएगा कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी? यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने के सिलसिले में तीन बातें। नंबर एक, पहले तारीफ़ देख लेते हैं शहादत की। यल एतराफ़ बिल लिसान वल एतक़ाद बिल क़ल्ब व तस्दीक़ बिल जवान। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आदमी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करे। सबसे पहली चीज़ क्या है? आदमी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। वल एतक़ाद बिल क़ल्ब, दूसरी चीज़ क्या है कि दिल में आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का एतक़ाद रखे, यानी दिल से भी ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम करे, दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखे। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में उसके दिल में कोई शक और शुबहा ना हो, पूरे दिल से वो ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम करे। तीसरी चीज़ क्या है? वह तस्दीक़ बिल जवार, अपने आज़ा के ज़रिए से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक करे। आज़ा के ज़रिए से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक आदमी कैसे करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन आमाल के करने का हुक्म में दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम हम पर नाज़िल किए हैं, हम उन अहकाम पर अमल करें, उन आमाल को अंजाम दें, जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, हज हो गया, और जो दीगर इबादात हैं, दीगर आमाल हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हमें हुक्म दिया है, हम उन कामों को, उन आमाल को अपने आज़ा के ज़रिए से, अपने जिस्म के हिस्सों के ज़रिए से अंजाम दें। इसी का मतलब, यही मतलब तस्दीक बिल जवारे का है। यानी हम ला इलाहा इल्लल्लाह का अपने जवारे के ज़रिए से, अपने आज़ा के ज़रिए से तस्दीक करें, तभी हम लोग मोमिन और मुसलमान हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? यानी अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अब मैं मुसलमान हो गया, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत दे दी है, गवाही दे दी है, तो क्या ऐसे आदमी के बारे में कहा जाएगा कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी, वो मुसलमान हो गया? नहीं। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए तीन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इकरार बिल लिसान, ज़ुबान के ज़रिए से उसका इकरार हो। दूसरी चीज़ एतक़ाद बिल क़ल्ब, यानी दिल से भी उसको माने। तीसरी चीज़ अपने आज़ा के ज़रिए से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक भी करें, यानी अल्लाह ने जो हमें, जिन आमाल को अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है, हम उन्हें करें। क्यों नहीं, क्यों ऐसे आदमी को हम लोग मुसलमान नहीं कहेंगे जिसने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है? क्योंकि मुनाफिकों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा था, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों के बारे में क्या कहा था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों के बारे में कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि मुनाफिकीन झूठ बोल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सिर्फ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ईमान के लिए, मोमिन होने के लिए उसे दिल से तस्लीम करना और इसी तरह से अमली तौर पर उसकी तस्दीक करना भी वाजिब और ज़रूरी है। समझ में आई बात?
हदीस का अगला टुकड़ा वहदहू, वो अकेला है, वो तनहा है, ये इल्लल्लाह की ताकीद है। वहदहू ये किसकी ताकीद है? इल्लल्लाह की ताकीद है, यानी वो इबादत में अकेला और तनहा है, इबादत सिर्फ उसी के लिए जायज है। आगे ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, ये ला इलाह की ताकीद है, क्योंकि इसमें शिर्क की नफी है और ला इलाह में भी शिर्क की नफी है, तो ये किसकी ताकीद कर रही है? ला इलाह की ताकीद कर रही है। आगे देख लीजिए, वअन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, वअन्ना मुहम्मदन, वा ये क्या है? वा ये हर्फ अत्फ है, और अन्ना मुहम्मदन का अत्फ मन शहीदा पर है, यानी इसकी असली इबारत क्या हो जाएगी? वमन शहीदा अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, वमन शहीदा, और जिसने इस बात की गवाही दी अन्ना मुहम्मदन कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहू अल्लाह के बंदे हैं, व रसूलुहू और उसके रसूल। इसे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बंदे होने की तमाम सिफात पाई जाती थी, जिस तरह से हमारे अंदर बंदे होने की तमाम सिफात पाई जा रही हैं, उसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अबदियत के तमाम सिफात मौजूद थे। लेकिन हमारे और उनके दरमियान फ़र्क क्या था? हमारे और उनके दरमियान फ़र्क ये था कि वो मासूम अनिल ख़ता थे और हम मासूम अनिल ख़ता नहीं हैं। उन पर वह की जाती थी, हमारे उनके दरमियान क्या फ़र्क है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जाती है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इसका बयान किया कुरान मजीद के अंदर, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ नबी, आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कह लोगो मैं तुम्हारी तरह तुम ही में से एक इंसान हूँ, एक बशर हूँ, यूहा इलैया। लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क क्या है? कि मेरी तरफ वही की जाती है और तुम्हारी तरफ वही नहीं की जाती है। वो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू, और इस बात की गवाही दें कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत का क्या मतलब है? यानी किस आदमी के बारे में हम लोग कहेंगे कि इसने नबी की रिसालत की गवाही दी है? नबी की रिसालत की शहादत का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बतलाई हैं, हम उन बातों को मिनोअन ठीक उसी तरह से तस्लीम करें। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, हमें उन कामों में नबी की इताअत करें, हम उन कामों को अंजाम दें, उन कामों को करें। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीज़ों से रोका है, जिन चीज़ों से मना किया है, हम उनसे रुकें, हम उनसे बचें। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से, जिस तरीक़े से हमें अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया है, ठीक उसी तरीके से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। यानी शहादत मोहम्मद का मतलब क्या है? किस आदमी के बारे में कहेंगे कि इसने शहादत मोहम्मद यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी है? उस आदमी के बारे में कहेंगे जिसके अंदर ये चारों चीज़ें पाई जाएंगी। नंबर एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बतलाई हैं, अगर उसने उन बातों को मिनोअन तस्लीम किया है। नंबर दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के करने का हमें हुक्म दिया है, हमने उन कामों को अंजाम दिया है। नंबर तीन, जिन चीज़ों से रोका है, हमने उन चीज़ों से रुका है, हम उन चीज़ों से बचे हैं। नंबर चार, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया है, अगर हम उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, तब हमने, अगर हमारे अंदर ये चारों चीज़ें पाई जाएंगी, तब हमारे बारे में कहा जाएगा कि हमने शहादत मोहम्मद का इकरार किया है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी। आगे देखिए, वअन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहू,
यहाँ भी वाव आत्फ है, इसके असली बात क्या होगी, वमन शहीद अन्न ईसा अब्दुल्लाह व रसूल, और जिसने गवाही दी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस क्या साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर हम लोग उसी तरह से ईमान लाते हैं जिस तरह से नबी की रिसालत पर ईमान लाते हैं। हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह रसूल मानते हैं जिस तरह से हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानते हैं। लेकिन जो बातें उनकी जो बातें हमारी शरीयत से टकराती हैं, उनकी जो बातें हमारी शरीयत के मुखालिफ होंगी, हम उन पर अमल नहीं करेंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे। देखिए उम्मत मुहम्मदिया से पहले जितनी भी शरीयतें हैं उनकी जो बातें हैं हम उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसकी तीन सूरतें हो सकती हैं, इनकी इसकी तीन हालतें हो सकती हैं। नंबर एक, या तो उनकी बातें हमारी शरीयत के मुआफिक होंगी तो हम उनको मानेंगे, उन पर अमल करेंगे। नंबर दो, या तो उनकी बातें हमारी शरीयत के मुखालिफ होंगी तो हम उन्हें नहीं मानेंगे, उन्हें छोड़ देंगे। नंबर तीन, उनकी शरीयत में कोई ऐसा मसला हो जिसका सबूत हमारी शरीयत में नहीं है, जिसकी मिसाल हमारी शरीयत में नहीं है, जिसके सिलसिले में हमारी शरीयत खामोश है, तो इसके बारे में उलमाए किराम का इख्तलाफ है कि हम उस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन राजह कौल के मुताबिक हम उस पर अमल करेंगे। इसकी क्या दलील है, कैसे पता चला कि हमसे पहले जो शरीयत आई है अगर उनमें कोई ऐसी बात है जिसका सबूत हमारी शरीयत में नहीं है तो हम उस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम इख्तदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यही वो लोग थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी थी। फबिहुदाहुम इख्तदी, नबी को मुखातब किया जा रहा है कि उनके रास्ते पर आप भी चलिए। दूसरी आयत है लक़द काना फ़ी क़िससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, कि उनके किस्सों में अक्लमंदों के लिए नसीहत। इसे पता चलता है कि हमसे पहले जो शरीयतें आई हैं अगर उनमें कोई बात ऐसी है जो हमारी शरीयत में नहीं है, जिसका सबूत हमारी शरीयत में नहीं मिलता है, तो हम उन बातों पर अमल करेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों का नुक्ते नज़र क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों का नुक्ते नज़र तीन तरह का है। यहूद है नंबर एक, यहूद कहते हैं, यहूद इनको वलदे ज़ना कहते हैं और इनकी वालिदा को इनकी माँ को बदकार कहते हैं और इनकी नबूवत का इनकार करते हैं, यानी इन्हें नबी नहीं मानते हैं। और यहूद ये कहते हैं कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बयान फरमाया इन्ना कतलनल मसीह ईसा बिन मरियम, कि यहूद ये दावा करते हैं कि हमने ईसा बिन मसीह को कत्ल कर दिया। हालांकि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उठा लिया है। नंबर दो, नसारा, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बेटा कहते हैं। इसी तरह से सालिसुन सलासा कहते हैं, यानी अल्लाह, ईसा और इनकी माँ मरियम, ये तीनों माबूद हैं, और नसारा इनकी बातों को नहीं मानते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का क्या मज़हब है, यानी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, उनकी माँ सच्ची थी और उनकी विलादत, उनकी पैदाइश ठीक उसी तरह से हुई है जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। वअन्न ईसा अब्दुल्लाह व रसूल, हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने इस बात की गवाही दी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल, अब्दुल्लाह के ज़रिए से नसारा की तरदीद हो रही, क्योंकि नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, इब्नुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का लड़का कहते हैं, और रसूलुहु के ज़रिए से यहूद की तरदीद हो रही है क्योंकि यहूद ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल नहीं मानते। आगे देखिए वकलिमतुहु अल्काहा इला मरियम, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलिमा हैं, अल्काहा इला मरियम, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम की तरफ भेजा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलिमा हैं, क्योंकि
क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम खाते हैं पीते हैं, खाते थे पीते थे चलते फिरते थे, बशरियत के तमाम औसाफ उनके अंदर पाए जाते थे, इंसान होने के तमाम औसाफ उनके अंदर पाए जाते थे। एक वजह यह है, इस वजह से वो अल्लाह के कलीमा नहीं हो सकते। दूसरी वजह यह है क्योंकि अल्लाह का कलाम ये अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत हमेशा अल्लाह के साथ कायम रहती है, कभी भी उससे जुदा नहीं होती, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जुदा है। तो इसे भी पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीमा नहीं। तो यहाँ कलीमतहु का मतलब क्या है? यहाँ कलीमतहु का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कलिमे कुन के ज़रिए से पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कैसे पैदा किया है? ठीक उसी तरह से पैदा किया है जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कलिमे कुन के ज़रिए से पैदा किया है, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कलिमे कुन के ज़रिए से पैदा किया। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। इन्ना मसल ईसा, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक कमसल आदम आदम की तरह है। खलकहु मिन तुराबिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मिट्टी से बनाया पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून, फिर कहा हो जा तो हो गए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कलिमे कुन के ज़रिए से की है, यानी कुन बोला और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। वरूहुम मिन्हु, आगे क्या है? वरूहुम मिन्हु, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रूह हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुन कह करके जिस्म बनाया, फिर उसके अंदर रूह डाल दी, रूह सूंख दी। इसका मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रूह नहीं हैं बल्कि उनका जिस्म रूह वाला है। इससे नसारा ने इस्तदलाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जुज हैं, अल्लाह के एक हिस्सा हैं, इसीलिए उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा है। हालांकि इसका मतलब क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह डाली है, ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जुज और हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं, वल जन्नत हक्कुन वन नार हक्कुन, और जिसने इस बात की गवाही दी कि जन्नत बरहक है और जहन्नम बरहक है। अदखलहुल्लाहु जन्नत अला मा काना मिनल अमल, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत में दाखिल करेगा उसका अमल चाहे जैसा। जन्नत में दाखिल होने की दो सूरतें हो सकती हैं, दो शक्लें हो सकती हैं। नंबर एक इदखाल कामिल, नंबर दो इदखाल नाक़िस। इदखाल कामिल किसे कहते हैं? जिसको बग़ैर सज़ा दिए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर दिया। इदखाल कामिल किसको हासिल होगा? जिस की अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी और बुराइयाँ कम होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को इदखाल कामिल यानी मुकम्मल जन्नत में दाखिल कर देगा बग़ैर हिसाब किताब के। इदखाल नाक़िस यानी जिसको सज़ा देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा, ये उन लोगों के सिलसिले में है जिनके यहाँ बुराइयाँ भी होंगी और अच्छाइयाँ भी होंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बुराइयों की सज़ा देगा, उसके बाद में जन्नत में दाखिल करेगा। अखराजाहू, इसको बुखारी ने रवायत किया, ये बुखारी की रवायत है। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।